हेलो एवरीवन, एनएस एजुकेशन की इस वीडियो में हम बात करेंगे जुलाई के सेकंड वीक के जो मेन करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में। टॉप 30 करंट अफेयर्स जो है वो सिलेक्ट करे हैं मैंने और इनको यहां पे हम डिस्कस करेंगे जैसा कि हमने फर्स्ट वीक के लिए इसको डिस्कस किया था। तो पहला यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है भी हाल ही में प्रदेश की आम जनता की समस्याओं, शिकायतों के सुनिश्चित और संतोषजनक समाधान के लिए राज्य सरकार हर महीने के दूसरे मंगलवार को कौन सा कार्यक्रम शुरू करेगी। तो ये जो कार्यक्रम है वो है जन अधिकार कार्यक्रम और मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देश पर यह कार्यक्रम होगा प्रत्येक माह के दूसरे मंगलवार को, ठीक है। और इसका जो स्टार्ट जुलाई माह का जो द्वितीय मंगलवार है यानी कि 9 जुलाई को ये इस कार्यक्रम का आधिकारिक शुभारंभ भी किया गया है। अगला प्रश्न है, आयकर विभाग मध्य प्रदेश के किस शहर में प्रदेश की पहली 5-स्टार ग्रीन बिल्डिंग बनवा रहा है। तो ये जो शहर है वो है आपका मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जहां के 63 करोड़ रुपए की लागत से 5 मंजिला कार्यालय भवन बनाया जा रहा है, जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और सोलर एनर्जी पहुंचाने के लिए पूरा होगा। इस तरीके से पूरी ग्रीन बिल्डिंग बनेगी और प्रदेश की पहली 5-स्टार एनर्जी एफिशिएंट ग्रीन बिल्डिंग होने का खिताब ये पूरा करेगी। अगला प्रश्न है हमारा गाइस, जो हमारा करंट अफेयर है मध्य प्रदेश का जनवरी 2019 का, इसके अलावा जनवरी से लेकर दिसंबर 2018 तक का ही पूरा करंट अफेयर अवेलेबल है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। एनसीईआरटी की जो साइंस है बायोलॉजी की वो आप ले सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी भी लिंक है। और एनसीईआरटी का जो हमारा सार है क्लास 8, 9 और 10 का वो भी आप ले सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी भी आपको लिंक मिल जाएगी। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में 7 जुलाई 2019 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ मध्य प्रदेश के किस जिले से किया। तो इन्होंने ये जो इस स्कूल चले अभियान का शुभारंभ किया है ये किया है इन्होंने छिंदवाड़ा जिले से, ठीक है। और ये इन्होंने छुट्टी के दिन यानी रविवार के दिन करा है स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ। अगला प्रश्न, भी हाल ही में इंदौर की शॉप किराना देश की बेबी कॉर्न कंपनियों में नंबर 1 बनी है, इसे किस मैगजीन के कवर पर जगह मिली है। तो इसे जो जगह मिली है वो फोर्ब्स की कवर पेज पर जगह मिली है और मैं आपको बता दूं जुलाई के अंक में ये कवर पेज मतलब इसको बनाया जाएगा। और देश की 500 कंपनियों में इंदौर का जो स्टार्टअप है उसने ये उपलब्धि हासिल की है और मध्य प्रदेश की ऐसी पहली शॉप होगी जिसे यह उपलब्धि हासिल हुई है, ठीक है। तो ये कहाँ की है, आपकी इंदौर की है, ये आप ध्यान रखें, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ये 3 लोग हैं इसमें जिन्होंने इस स्टार्टअप को स्टार्ट किया है। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने राज्य में सरकारी नौकरी में आयु सीमा 35 से बढ़ाकर 40 वर्ष कर दी है। तो यह है आपका मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, अभी हाल ही में किस ट्रेन में आग पर काबू पाने के लिए भारतीय रेलवे ने नई टेक्नोलॉजी से लैस फायरवॉल को ट्रेन के कोच में लगाया है। तो ये जो ट्रेन है आपकी वो है चंबल एक्सप्रेस, ग्वालियर से चलती है, ठीक है। वहां पे इसकी शुरुआत करी गई है झांसी मंडल के अंतर्गत ग्वालियर से चलने वाली चंबल एक्सप्रेस से। और जो फायरवॉल है इस ट्रेन के पावर कार यानी कि जनरेटर कोर में जनरेटर यान में भी लगाए गए हैं। और मैं आपको बता दूं इसके अंदर प्रेशराइज्ड मोनो अमोनियम फास्फेट गैस रहती है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। और आग लगने पर ये फायरवॉल जो है वो अपने आप खुल जाएगा और 70 डिग्री सेल्सियस जैसे टेम्परेचर होता है तब ये अपने आप खुल जाएगा। और अभी क्या होता था, जो अग्निशमन यंत्र होते थे उनको खोलने की जरूरत पड़ती थी। अगला प्रश्न, अभी हाल ही में देवी अहिल्याबाई अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से 15 जुलाई से शुरू हो रही दुबई फ्लाइट को उड़ाने वाले पायलट कौन होंगे। तो ये है सुनीश भार्गव, इन्होंने इस फ्लाइट को उड़ाया है, हालांकि फ्लाइट जा चुकी है अब, ठीक है, और वापस भी आ चुकी है, ठीक है। तो कमांडर सुनीश भार्गव इंदौर के रहने वाले हैं, उन्होंने इस फ्लाइट को उड़ाया था। देश में पहली बार किस एयरपोर्ट पर ज्यादा लगेज लेकर आने वाले यात्रियों को देश भर में कहीं भी स्थित उनके घर लगेज पहुंचाने की सुविधा शुरू हुई है। तो ऐसा करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट है आपका देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट इंदौर, ठीक है। और ये बहुत अच्छी सुविधा ये इंदौर एयरपोर्ट के लिए दी है। और दूसरे जो एयरपोर्ट हैं वो भी इनसे इस चीज के बारे में पूछ रहे हैं ताकि वो भी अपने यहां इसको शुरू कर पाए। अभी हाल ही में किस प्रसिद्ध शहर के एयरपोर्ट पर देश में पहली बार एक मेट्रोमोनियल वेबसाइट का कार्यालय खुलने जा रहा है। तो ये इंदौर का एयरपोर्ट है देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट, जहां पे देश में पहली बार एक मेट्रोमोनियल वेबसाइट जो है उसका कार्यालय खोला जाएगा और ऐसा करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट होगा। और कंपनी अगस्त के पहले सप्ताह में अपना कार्यालय शुरू करेगी।
अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में केंद्र सरकार की सेंट्रल जू अथॉरिटी से जू कम रेस्क्यू सेंटर बनाए जाने के लिए अनुमति मिल गई है। देखिए आप यहां पे जो करंट अफेयर पढ़ रहे हैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके मैं बना रहा हूं, अगर आप इसको और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप पूरा जो हमारा डेली का वीडियो है उसको जरूर देखें और डिटेल में आपको उसमें पूरी जानकारी दी जाएगी। ठीक है, तो ये जो है आपका ये जो जू कम रेस्क्यू सेंटर है ये बनाया जाएगा आपका रायसेन जिले का भोपाल मार्ग जो है, रायसेन से भोपाल जब जाते हैं तो वहां पे खरबई करके एक गांव मिलता है, वहां पे 150 हेक्टेयर में ये बनाया जाएगा और ये जू मध्यम स्तर का जू होगा और जू के साथ साथ इसमें रेस्क्यू सेंटर होगा यानी जानवरों को बचाया भी जा सकेगा यहां पर। अगला प्रश्न है, टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा हाल ही में जारी टाइगर मोर्टेलिटी रिपोर्ट के तहत देश के किस राज्य में सर्वाधिक बाघों का शिकार हुआ है। ये क्वेश्चन आपसे दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, किस राज्य में सर्वाधिक बाघों की मृत्यु हुई है। दोनों ही केस में इसका जो सही आंसर है वो है मध्य प्रदेश। और मैं आपको बता दूं बीते 7 साल में 41 बाघों का शिकार किया गया है और 2012 से अब तक 141 बाघों की मौत हुई है, इनमें से सिर्फ 78 मौतें जो है वो सामान्य हैं। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि 78 मौत सामान्य, बाकी बाघों की एक दूसरे से लड़ाई होने के कारण है या जो भी रीजन रहे हो, तो बाघों की मौत के मामले में भी मध्य प्रदेश पहले नंबर पे है और बाघों के शिकार के मामले में भी मध्य प्रदेश पहले नंबर पे है। मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बीज संघ किसानों को प्रमाणित एवं प्रजनन बीजों का वितरण और विपणन करने के साथ साथ बीजों का उत्पादन किस ब्रांड नाम से करेगा। ये जो ब्रांड नाम है वो है सहबीज। तो जो अब आपका प्रमाणित करना तो उनका काम है ही, साथ ही प्रजनन जो बीज है उनका वितरण करना उनका विपणन करना दोनों ही काम करेगा और इसका जो ब्रांड नेम होगा वो होगा सहबीज। अभी हाल ही में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा किसे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है, तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि MPPSC इसके सदस्य नियुक्त किए गए अभी हाल ही में श्री चंद्रशेखर रायकवार। ठीक है, और चंद्रशेखर रायकवार जो है वो इंदौर में अधिवक्ता है। ठीक है, ये भी बात आप याद रखें और इसका जो हेड ऑफिस है वो कहां पर है, ये भी आपका इंदौर में ही है। अभी हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में मध्य प्रदेश के किस जिले ने जन्म के समय बाल लिंगानुपात में अच्छे प्रदर्शन के लिए देश के 10 चयनित जिलों में अव्वल स्थान प्राप्त किया है, तो यह है मध्य प्रदेश का जिला रीवा जो 10 जिलों में आया है। और मैं आपको बता दूं 10 जिलों में प्रथम नंबर पे आया है जन्म के समय बाल लिंगानुपात में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए, क्योंकि बाल लिंगानुपात जो है वो 885 से बढ़कर रीवा में कितना हो गया है 934 हो गया है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अभी हाल ही में संस्कृति विभाग की पंजाबी साहित्य अकादमी द्वारा मध्य प्रदेश के किस जिले में 2 दिवसीय शहादत गाथा के तहत नाट्य प्रस्तुतियां भी होंगी, तो यह है आपका मध्य प्रदेश का बैतूल जिला, जहां पर पंजाबी साहित्य अकादमी द्वारा 13 से 14 जुलाई को ये 2 दिवसीय शहादत गाथा के तहत नाट्य प्रस्तुतियां इसमें हुई। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी की पैरा खिलाड़ी रूबीना फ्रांसिस किस देश में आयोजित होने वाले वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगी, तो ये क्रोएशिया है। ठीक है, और क्रोएशिया का जो ओसेजिक शहर है वहां पर 22 से 31 जुलाई तक ये चलेगा और इस वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेगी रूबीना फ्रांसिस, जो मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी की पैरा खिलाड़ी है। पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए मध्य प्रदेश शासन गुजरात के रण महोत्सव की तर्ज पर मध्य प्रदेश के किस स्थान पर इको गरुड़ महोत्सव कराने जा रहा है, तो ये है आपका गांधी सागर मंदसौर, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का यहाँ पे होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फंक्शन यहाँ पे होंगे। ठीक है, तो रण गुजरात में जो रण महोत्सव होता है उसी के हिसाब का ये होगा गांधी सागर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इको गरुड़ महोत्सव। ठीक है, और 1 जनवरी से 28 फरवरी तक ये आयोजन होगा और इसमें भोपाल की जो टैप इवेंट कंपनी है वो आपका जो इवेंट मैनेजमेंट का काम है वो यही करेगी। मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों का अनुपात कितने प्रतिशत है, तो अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो यह 31.65 और अगर हम भारत की बात करते हैं तो यह 21.04
9-2, ठीक है। तो गरीबी रेखा आपको पता होगा, गरीबी रेखा के मामले में जो मध्य प्रदेश है वो 27वें नंबर पे आ रहा है 29 राज्यों में से, तो 29 राज्यों में से 27वें नंबर पे आ रहा है, मतलब बहुत ही बेकार स्थिति यहाँ पे ब्लू पॉवर्टी लाइन जो लोग हैं उनके लिए ही। देश में उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य जो है वो मध्य प्रदेश के नीचे आ रहे हैं, बाकी मध्य प्रदेश यहाँ नीचे से तीसरे नंबर पे आपका आ रहा है। यहाँ पे गरीबों की जो संख्या है वो है 2,34,00,000, मनरेगा में भी करीब 68.25 लाख परिवार दर्ज हैं, जिससे हमें पता चल रहा है कि एक बहुत बड़ी व्यापक ग्लोबल जिसको हम बोल सकते हैं कि काफी यहाँ पे गरीबी है। मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण का भी वीडियो मैंने बनाया था, ये अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसको जरूर देख लें, करंट अफेयर की प्लेलिस्ट में भी आपको ये मिल जाएगा। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ से भोपाल स्थित मिंटो हॉल में भारत के राजदूत श्री कैनेथ आई जस्टर ने सौजन्य भेंट की। जस्टर किस देश के राजदूत हैं, तो जस्टर राजदूत हैं अमेरिका के, इन्होंने मुख्यमंत्री से भी भेंट की और उसके बाद फिर मध्य प्रदेश के जो गवर्नर हैं उनसे भी इन्होंने भेंट की है। भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के किस जिले में फर्स्ट एटमोस्फेरिक रिसर्च टेस्टबेड लेबोरेटरी स्थापित की जाएगी, तो ये फर्स्ट एटमोस्फेरिक रिसर्च टेस्टबेड लेबोरेटरी जो है मौसम विभाग, भारत का जो मौसम विभाग या मौसम विज्ञान संस्थान है वो बना रहा है, और ये बनाया जाएगा आपका सीहोर में। इसके लिए 65 हेक्टेयर भूमि जो है वो आवंटित कर दी गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। मध्य प्रदेश ऊर्जा विभाग द्वारा बिजली फॉल्ट एवं बिजली बिल संबंधी शिकायत दर्ज कराने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप अभी हाल में ही लॉन्च किया गया है, तो ये जो ऐप है वो है आपका उपाय ऐप। इससे पहले इनका जो टोल फ्री नंबर है 1912 और भोपाल का ये नंबर है 255-1-222, तो इनके साथ साथ अब उपाय पे भी शिकायत दर्ज की जा सकेंगी। ये जो ऐप है वो भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर और चंबल संभाग इनके बिजली उपभोक्ता भी स्टार्टिंग में यूज कर पाएंगे। मध्य प्रदेश के किस स्थान से मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जिला स्तर पर 21 जुलाई को किसान संबंध कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे, ये शुभारंभ किया जाएगा 21 जुलाई को झाबुआ से। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी कि SRS के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश का कौन सा शहर प्रजनन दर में पूरे प्रदेश में पहले नंबर पर, तो प्रजनन दर में प्रदेश में पूरे पहले नंबर पर जो है वो है आपका मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट TFR जिसको बोलते हैं, प्रजनन दर इसको बोलते हैं, उसके मामले में भोपाल पूरे प्रदेश में पहले नंबर पर है जिसकी प्रजनन दर है 2। आइडियल प्रजनन दर जो है वो 2.1 मानी जाती है, और ये जो 2 है ये प्रदेश की नहीं बल्कि देश की प्रजनन दर से भी 2.3 कम है, क्योंकि देश की जो प्रजनन दर है वो है कितनी 2.3, ठीक है, और प्रदेश की जो प्रजनन दर है वो है 2.8। और इसके बाद मैं आप बता दूं ज्यादा TFR के मामले में मध्य प्रदेश बिहार उत्तर प्रदेश के बाद तीसरे नंबर पर आता है, तो आइडियल जो मानी जाती है वो कितनी मानी जाती है 2.0। अभी हाल ही में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के लिए मध्य प्रदेश के हिस्से का सर्वे पूरा कर लिया गया है, यह मध्य प्रदेश के कितने गांवों से गुजरेगा, तो 8-लेन एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है, तो मध्य प्रदेश के 144 गांवों से गुजरेगा, और मध्य प्रदेश के 2 जिले हैं जहां से ये गुजरेगा, एक तो है आपका मध्य प्रदेश राजस्थान की सीमा पर मंदसौर जिले का जो ढाबला माधो सिंह गांव है वहां से शुरू हो गया, और मध्य प्रदेश गुजरात सीमा पर स्थित ढेवर गांव जो आपका झाबुआ में आता है वहां पर खत्म होता है, तो मंदसौर और आपका झाबुआ ये 2 जिले हैं जहां से आके आपका ये जाना है, ठीक है, ये आप याद रखें। और एक्सप्रेस वे रतलाम जिले के 61 और मंदसौर जिले के आपके 62 गांवों से होकर गुजरेगा, ठीक है, तो ये आपको इतना इसमें याद रखना है। और दिल्ली मुंबई 8-लेन एक्सप्रेस वे मंदसौर जिले, इसकी जो मंदसौर जिले की लंबाई है वो है 102.20 किलोमीटर, इतनी प्रस्तावित है, ठीक है, तो ये यहां से 144 गांव जो हैं वो टोटल कवर करने वाला है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने यौन उत्पीड़न और बाल अपराधों के मामलों के लिए इनमें से किस राज्य में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाने का निर्णय लिया है, तो ये जो निर्णय लिया है ये बनाया जाएगा मध्य प्रदेश में। वैसे तो टोटल 18 राज्य हैं जहां पर ये बनाए जाएंगे, 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट यहां पर बनाए जाने हैं, और इनमें महाराष्ट्र, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मेघालय, झारखंड, आंध्र प्रदेश, बिहार, मणिपुर, गोवा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, मिजोरम, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तराखंड, तमिलनाडु, असम और हरियाणा, करीब 700 करोड़ रुपए इस पे खर्च किए जाने हैं। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश स्थित किस अभ्यारण्य में अफ्रीकी चीता लाने का प्रस्ताव पारित किया गया है, तो मध्य प्रदेश का सागर स्थित नौरादेही अभ्यारण्य है जहां पे अफ्रीकी चीता लाना प्रस्तावित किया गया है। सागर जिले के अलावा ये नरसिंहपुर और दमोह तक भी फैला हुआ है।
अभी हाल ही में देश की पहली रोबोटिक कंट्रोल वेधशाला मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थापित हुई है? तो ये मध्य प्रदेश के शहर उज्जैन में स्थापित हुई है। ये रोबोटिक कंट्रोल होगी और देश की पहली रोबोटिक कंट्रोल वेधशाला होगी और इसका जो ऑडिटोरियम है उसको अंडाकार बनाया गया है और उज्जैन शहर से करीब 41 किलोमीटर दूर जो डोंगला गांव है वहां पर यह है। अंतरराष्ट्रीय स्तर की यह वेधशाला होगी। मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद यानी कि मैपकास्ट ने इसको बनाया हुआ है। उस करीब 3 साल का समय लगा है और 8 करोड़ रुपए की लागत इसमें आई है। अभी हाल ही में पोहे शिकंजी के साथ दो तरह के नमकीन की GI टैगिंग पर मध्य प्रदेश के किस शहर ने दावा किया है? तो पोहे और शिकंजी के साथ साथ दो प्रकार का जो नमकीन है जिसमें लौंग सेव और खट्टा मीठा नमकीन है, ठीक है, और दूध से बनने वाली जो शिकंजी है, तो इन पे आपका जो इंदौर है उसने GI टैगिंग के लिए दावा किया हुआ है। अभी हाल ही में विधानसभा में प्रस्तुत हुई 2018-19 के आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक प्रदेश में विकास की गति कितने फीसदी की दर से आगे बढ़ रही है? तो ये जो विकास की जो गति है वो 7% की दर से आगे बढ़ रही है और 2018-19 का जो सर्वेक्षण विधानसभा में प्रस्तुत हुआ है उसमें ये बात कही गई है और 2017-18 के 6.19% के मुकाबले अधिक है। पहले 6.19 थी, अब 7% हो चुकी है। तो गाइज ये थे हमारे पूरे प्रश्न और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो में कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।